Hello students, myself Manohar Sandelia, Team Zoology, CLC Seeker. और मेरे साथ हैं myself Mohammad Irshad, working with CLC Seeker since last 4 years. I am here with you to discuss the important topic human health and disease. Human health and disease जो topic है ये आपको NEET के exam में 4 to 5 questions on an average देके जाता है और इसमें अपने को टोटल मोटे तौर पे ये जो 4 गुरुनीति हैं ये डिस्कस करनी है. हर गुरुनीति में हमने कोशिश ये की है हमारी तरफ से कि जितने अच्छे क्वेश्चंस हो पाए उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्चुअल बातें जो है वो क्लियर हो जाए. एनसीईआरटी बेस्ड जो चीजें हैं आपके इन चैप्टर में दे रखी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और एक आपके एप्लीकेशन जूलॉजी का एक पार्ट आता है अपने एनिमल हस्बेंड्री, इसको भी इसमें शामिल करते हैं. उसके अकॉर्डिंग 4 जो है वो अपने गुरुनीति चलेंगी. अब इसमें आज की गुरुनीति में एप्लीकेशन जूलॉजी फर्स्ट, इसमें हम जनरली जो डिजीज है उनसे रिलेटेड बातें करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. हेल्थ के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए, एक तो आपने हेल्थ के बारे में पढ़ा भी आपने कि इंडियन आयुर्वेदा इनके अकॉर्डिंग गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी गई थी. क्यों सर? तो वो एक ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस जो पुराने टाइम में स्टार्टिंग में दी गई थी, उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी इसकी दी गई है, इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया है का, उसके लिए आपको ये बताना है कि उसके लिए सही कथन कौन से हैं. तो फर्स्ट है, हेल्थ इज मेंटेन्ड due to good balance of body humors. तो ये good balance of body humors, it is related to, किससे related है? ये good humor hypothesis, जो Indian Ayurveda system और Greek philosopher के थ्रू दी गई थी, ये उससे related है, तो ये इसमें शामिल नहीं है. Humor का मतलब है liquid, है ना, body के fluids, blood हो गया, lymph हो गया, interstitial fluid हो गया, ये सब humors कहलाते हैं. Next, health does not mean only absence of disease or physical fitness. सही बात है? सही. ये absence of disease या physical fitness जो केवल ये बातें कहना काफी नहीं है, मतलब ये insufficient है. हाँ. Next, health is complete physical, mental and social fitness. WHO के according health की एक complete define अगर हम करें तो उसमें फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, मेंटल भी होनी चाहिए, सोशल फिटनेस भी होनी चाहिए. क्लियर? जो हर तरीके से किसी तरह की डिजीज नहीं हो, हेल्दी हो, मेंटल किसी तरह की साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं हो, सोशल फिटनेस जो सोसाइटी में भी अपने आप को मेंटेन रख सके, इस तरह के कैरेक्टर जो है, तो उस कंडीशन में उसको कंप्लीट हेल्थ मान सकते हैं. क्यों सर? Next, health increases the work efficiency and longevity of life. Healthy person होगा, उसमें work efficiency भी increase होगी और उसके साथ साथ life की longevity भी होगी. तो सर, उसके according क्या correct answer होना चाहिए? इसमें according to modern concept, तो इस एक को छोड़कर ये तीनों modern concept से related है. It means correct answer B, C and D. Third इसका correct answer हो जाएगा. क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सरल सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट, अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है. देखिए, क्वेश्चंस को करने के लिए अपने को टफनेस और इजीनेस इस पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो वर्ड्स पे फोकस करो. ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड हेल्थ. आसान सा सवाल है कि गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, है ना? अब किसकी जरूरत नहीं है? बैलेंस डाइट की तो जरूरत है सर, पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई की भी जरूरत है, हाइजीनिक वाटर सप्लाई फॉर वेक्टर्स, वेक्टर तो मच्छर मक्खी हो गए, तो उनके लिए मच्छर मक्खी उनके लिए चक्कर नहीं है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं. बस आपको यहाँ फोकस करना था, इस पे फोकस कर लो, आप इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जरूरी है, कचरे को ढंग से डिस्पोज करना जरूरी है, कि साहब गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है, मेडिकल वेस्ट अलग है, इंडस्ट्री का वेस्ट अलग है, दुनिया भर के अलग अलग वेस्ट हैं, उनको सेग्रीगेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उनका निस्तारण किया जाता है, उनका डिस्पोजल किया जाता है. ये सारी चीजें सही है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे. तो सर,
ये एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड एज एनी पार्टिसिपेंट फॉर, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब आप देखिए, एक तो नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन है, इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो छांटा आपको रिगार्डिंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, क्लियर। अब दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है, फर्स्ट क्या दिया, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो, इसके साथ साथ किसके लिए नहीं हो, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के, इट मींस फर्स्ट इसमें दे रखा है डिजीज कैन अफेक्ट मैनी बॉडी फंक्शंस, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कई तरह के बॉडी ऑर्गेन्स जो होते हैं उनके फंक्शंस को अफेक्ट करती है, क्लियर। डिजीज में भी फैटल फैटल भी हो सकती है, जस्ट लाइक कैंसर, जानलेवा डिजीज है। थर्ड, डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ प्रॉपर वैक्सीन्स, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए किसी प्रॉपर वैक्सीनेशन के थ्रू उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कैंसर है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, इनको आप किसी प्रॉपर वैक्सीन से कंट्रोल नहीं कर सकते, इट मींस इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। कैंसर इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, सही है, असंक्रामक रोगों में कैंसर जो है वो एक मृत्यु का मुख्य कारण है, बहुत से लोगों की डेथ कैंसर के कारण हो रही है, किसी में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किसी में थ्रोट कैंसर हो रहा है, किसी में लंग कैंसर हो रहे हैं, तो ऐसे खूब सारे कैंसर हो रहे हैं जिनके कारण से उनके डेथ हो रही है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सस्टेंड हाई फीवर, सस्टेंड का मतलब है लगातार बने रहने वाला हाई ग्रेड फीवर, पेट में दर्द है, स्टमक पेन है, रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब होता है छेद हो जाना, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेडिक्ट प्रोबेबल डिजीज। अब ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के लिया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे सीधा आंसर है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, अगर आपको थ्योरी पता है तो टाइफाइड का आंसर है, मलेरिया में ऐसा होता नहीं है, टीनिया डिजीज होती है जिसको रिंगवर्म कहते हैं उसमें ऐसा होता नहीं है, फाइलेरियासिस को आपको पता है कि ये लिम्फेटिक्स को अफेक्ट करती है, तो बचता है टाइफाइड, तो यहाँ पर टाइफाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी डिजीज में ऐसा कोई सिम्टम है ही नहीं। हाँ, ये सारे डिजीज ही अलग, टाइफाइड जो डिजीज है उसमें ये सारे सिम्टम आएंगे, क्लियर, इसमें करेक्ट आंसर सेकंड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर है, कौन सा पैथोजन है, इसके लिए ध्यान होगा आपको निमोनिया डिजीज में क्या होता है, इसमें जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है उनमें फ्लूड कलेक्ट हो जाता है, तो सर तो ये आप थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ी से रिलेट कर रहा हूँ इसको, कि निमोनिया में एल्वियोलाई जो होती है उन एल्वियोलाई में फ्लूड कलेक्ट हो जाता है, फ्लूड फिल्ड हो जाता है, किसके कारण हो रहा है निमोनिया, तो उसके लिए कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा वायरस ये नहीं होंगे, नेक्स्ट स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड साल्मोनेला ये नहीं होंगे, इसमें स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी दोनों में से कॉमन है लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस और साल्मोनेला नहीं होंगे इसके लिए। देखिए इन्फ्लुएंजा जुकाम के लिए है ना, साल्मोनेला ये पेट की गड़बड़ी के लिए होता है, इंटेस्टाइनल साल्मोनेला टाइप ही है, अभी आपने पढ़ा था, और ये जो कॉलरी है ये कॉलेरा हैजा करता है, कॉलेरा करता है, तो अपने पास में ऑप्शन ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बच्चे जनरली इन्फ्लुएंजा को रिलेट कर देते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, है ना, वो गलत हो जाता है, तो ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, टाइप या सॉरी निमोनिया है, इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, करेक्ट, ये दो पैथोजन है जो कि निमोनिया की वजह से, दोनों से ही निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड विब्रियो कोलेरी, इससे कोलेरा होता है, क्लियर, तो ये भी इसमें अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो वापस से नेगेटिव, अच्छा क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन कोल्ड, जुकाम से रिलेटेड गलत चीज क्या है, सामान्य जुकाम के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। अब इसमें पहला कथन है, नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गेट इन्फेक्टेड बट नॉट इन लंग्स, है ना, दूसरा है कॉज्ड बाय राइनो वायरस,
राइनो विषाणु द्वारा होती है। थर्ड है जनरली रिकवर्ड इन 3 to 7, इतने दिन थोड़ी लगते हैं यार, 7 to 3 to 7 वीक दे दिया, वीक इसलिए ये गलत आ गया है ना। ये इसमें देखिए यही माइनर मिस्टेक होती है, बच्चे ने देख रखा है एनसीईआरटी में पढ़ रखा है 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन वीक लिख दिया, ज्यादा नहीं का 3 to 7 है तो डेज होंगे, वो डेज वीक्स का ध्यान नहीं रखते इतने में। बाकी इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग, छींकने खांसने से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, संक्रामक रोग है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी गलत पूछा है तो 3 से 7 वीक बाद हो जाएगा। तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि अगर अपन सर उनको प्रॉपर्ली रीड कर लें ना तो उनका आंसर सामने आ जाता है। वैसे भी कॉमन कोल्ड जो है वो एक कॉमन डिजीज है, लगभग सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, सारी ये चीजें आपने देखी हुई है, सारे सिम्टम्स आपने पढ़ रखे हैं इनके, ध्यान आपको। तो ये इसमें कॉमन कोल्ड के बारे में जो है इनकरेक्ट में थर्ड हो गया इसका, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट ए मिसमैच्ड पेयर ऑफ डिजीज एंड इट्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक। मिसमैच्ड पेयर पूछा है, मिसमैच्ड पेयर, इसमें डिजीज के साथ उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को इसमें कौन से में मैचिंग नहीं हो रही। कॉमन कोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, सामान्य जुकाम जो है वो एक सबसे संक्रामक मानव रोगों में से एक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। मैलिग्नेंट मलेरिया फैटल फॉर्म ऑफ मलेरिया, इसमें आप एक चीज आप देखें तो सर अपन इसमें बता सकते हैं कि मैलिग्नेंट मलेरिया किसके कारण है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम की सबसे फैटल स्पीशीज ही इसको माना जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को, जिसके कारण इसमें मैलिग्नेंट मलेरिया या जिसको सेरिब्रल फीवर भी कहते हैं अपने, ये एक सबसे फैटल मलेरिया होती है। तो फैटल टाइप की मलेरिया मैलिग्नेंट मलेरिया, तो फैटल फॉर्म ऑफ मलेरिया करेक्ट है, तो किसके कारण होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज है और ये कौन सी स्पीसीज के कारण है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होगी। थर्ड एलिफेंटियसिस एक क्रोनिक एंड रिवर्सिबल कंडीशन, ये अब इसमें गलत क्या दे दिया, रिवर्सिबल कंडीशन दे दी, इट मींस ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पूछा गया मिसमैच्ड पेयर पूछा, एलिफेंटियसिस यहां तक सही है, एक क्रोनिक डिजीज है, एक लंबे टाइम के बाद इसमें ये सिम्टम रिकवरी नहीं होती। हाँ, अरे रिकवरी नहीं, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप बीमार होकर ठीक हो गए, ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इसके अंदर जैसे एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है ना, बड़े मोटा सा पैर हो रहा है और ये सारा, तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है वो। इसलिए इसमें मिसमैच क्या दे दिया, रिवर्सिबल दे दिया, मिसमैच हो गया। नेक्स्ट मलेरिया कॉज्ड बाय अ पैथोजन ट्रांसमिटेड टू फीमेल एनोफिलिस, तो एक पैथोजन के कारण हो रहा है जो फीमेल एनोफिलिस से ट्रांसमिट हो रहा है। सो पैथोजन कौन सा है इसका मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, जो आपने अभी पढ़ा है मैलिग्नेंट मलेरिया में बताया आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम की कई तरह की स्पीशीज मलेरिया कर रही है जो किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, फीमेल एनाफिलिस के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्लियर। तो बाकी सारे मैच कर रहे हैं, सिर्फ ये मिसमैच का पता होना चाहिए आपको, हालांकि एनसीईआरटी में सब नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को ये पता होना चाहिए। हाँ, ये कॉमन चीज है, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये कॉमन चीज होती है कि एलिफेंटियसिस डिजीज है, उसके सिम्टम जो आ रहे हैं एक बार हो गया तो वापस उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्लियर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, सेलेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्शन, प्लाज्मोडियम कहां का मल्टीप्लाई करता है, तो अपने को इसकी लाइफ साइकिल ब्रीफ में आनी चाहिए के साथ, जैसे ही वो स्पोरोजॉइट एंटर हुआ ब्लड में आया और लिवर में चला गया, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। अब यहां पे देख लो ह्यूमन हेपेटोसाइट, तो लिवर की जो सेल्स हैं वो हेपेटोसाइट्स कहते हैं, यहां मल्टीप्लाई करेगा। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, वहां पे भी जाएगा वो शायजोन, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, शाइजोगोनी हो जाती है ना। बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलिस मादा एनोफिलिस में जाएगा तो वहां पे भी शाइजोगोनी करेगा, स्पोरोगोनी करेगा, तो ये मल्टीप्लाई वहां पे भी करेगा। तो अब इसमें क्या ढूंढे अपन, ए आपको देखना है प्लाज्मोडियम, ए बी सी हो जाएगा, सब सही। वैसे सर ने बता दिया इसका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सारी बात है भाई, सब जगह मल्टीप्लाई कर रहा है ना, लाइफ साइकिल यहां पे आपको पता होनी चाहिए, लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ध्यान है प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट कर रहा है, जहां ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल करेगा, जहां प्री एरिथ्रोसाइटिक चलेगी उसकी हेपेटोसाइट्स में, वहां वो अपने आप की साइजोगोनी करके नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी आरबीसी में,
वहां भी अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहां होगा, इसका फीमेल एनोफिलीज के अंदर जाने के बाद इसमें गैमेटोसाइट्स आगे गैमेट्स बनाएंगे, फ्यूज होंगे, ये सारी सेक्सुअल प्रोसेस है वो फीमेल एनोफिलीज में होंगी, जिससे स्पोरोगोनी के थ्रू वो लार्ज नंबर में वापस स्पोरोजोइट्स डेवलप कर देते हैं। क्लियर? इसमें इसके अकॉर्डिंग तीनों में ही इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरियल अटैक इन अ पर्सन? मलेरिया किस वजह से हो रहा है ये पूछ रहा है। रिलीज ऑफ हीमोजोइन, हीमोजोइन रिलीज होते हैं, अपने को पता है कि आरबीसी के अंदर जब वो जाएगा मल्टीप्लाई करके उसका नंबर बढ़ेगा तो रप्चर हो जाती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, टूटता है, हीमोजोइन बनता है जो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। जब वो हीमोजोइन रिलीज होता है तो सर्दी लगती है, बुखार आता है, फर्स्ट टाइम जो है पंप की पीसी होती है बॉडी में और बुखार आ जाता है, है ना। अब ये मलेरिया होने के लिए उत्तरदायी है मलेरिया अटैक, तो हीमोजोइन होता है उसी से कपकपी लगते हैं, बुखार आता है, मेरोजोइट रिलीज होंगे अपने को पता भी नहीं चलेगा, रिलीज ऑफ स्पोरोजोइट कंप्लीट स्पोरोगोनी अपने को पता भी नहीं चलेगा, तो अपने को क्या पता चलेगा, बुखार आएगा तभी तो पता चलेगा ना। तो बुखार किसकी वजह से आ रहा है, बुखार किसकी वजह से आ रहा है, बुखार हीमोजोइन की वजह से आ रहा है, ये चीज पूछी गई है इसमें। हां भाई, फर्स्ट सिम्टम का शो है, फर्स्ट सिम्टम इन्फेक्शन से फर्स्ट। एक थोड़ा सा सर इसी में एक एंड कर देते हैं क्वेश्चन, इनको बता देते हैं थोड़ा सा आगे कभी क्वेश्चन पूछ लिया है कि जैसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद फर्स्ट टाइम जो इसके सिम्टम्स होते हैं तब तक का टाइम ड्यूरेशन वो उसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसका मतलब स्पोरोजोइट ने जब से इन्फेक्ट किया उसके बाद जब वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स को प्लाज्मा में रिलीज कर रहे हैं उस टाइम फर्स्ट सिम्टम इसके शो होंगे जिसमें मलेरिया के सिम्टम अपीयर होते हैं। क्लियर? तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका, सर ने बताई दिया आपको हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे तब उसमें फर्स्ट मलेरिया लेटिंग होते हैं। कब कब भी लग के बुखार आएगा, है ना, फीवर विद चिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसेंट्री इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय, पेचिशिक रोग है जो उत्पन्न होता है बैक्टीरिया से, टीमिया से, चरेरिया से और ट्राइकोफाइटोन से। किससे होगा डिसेंट्री? बैक्टीरियल डिसेंट्री होती है, साइगेला बैक्टीरिया के कारण होती है, उस बैक्टीरिया के कारण हो रही है। टीमिया के कारण जो डिजीज होती है वो टीमियसिस होगी, बुचेरेरिया के कारण जो डिजीज है वो फाइलेरियसिस होती है, और ट्राइकोफाइटोन ये एक फंगल डिजीज है, रिंगवर्म जिसको कहते हैं हमने, वो डिजीज होती है। तो डिसेंट्री का कोजिंग एजेंट क्या हो जाएगा ऐसा? बैक्टीरिया होगा, शिगेला बैक्टीरिया जो है, इसकी वजह से शिगेलोसिस, इसीलिए इसको दूसरा नाम ये कह देते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। आप गौर से देखिए, ए बी सी और डी, ये ए बी और सी और डी ये जो चार स्टेजेस हैं इनको अपने को आइडेंटिफाई करना है। पहले क्वेश्चन को समझ ले, पूछा क्या गया है, ए बी सी और डी को आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो ए यहाँ पे कह रहा है वायरल डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, तो वायरल डीएनए नहीं होता, वायरल तो आरएनए जाता है, ये तो गलत हो गया ही थी, है ना, ये बात ही एचआईवी वायरस की हो रही है, एचआईवी वायरस आरएनए वायरस होता है, नहीं आरएनए होता, ये पहला तो पहले में गलत हो गया। अब आगे का आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन को करने की तो क्वेश्चन का साइज बड़ा देख के घबराना नहीं है, ये कई बार होता है, उसमें क्या होता है कि आपको क्या है थोड़ा क्वेश्चन है क्या अपना क्या पूछा है, और साइज बड़े साइज वाले क्वेश्चन जो है वो इजीली अगर आप करेक्ट उस क्वेश्चन को पहचान गए, आपने क्वेश्चन समझ लिया, वो इजीली आंसर आ जाता है उसका, है ना। तो जैसे अपन ने इसको यही पकड़ लिया, अब आगे अपन पढ़ेंगे तो अपने को सही भी होगा तो आंसर तो हो नहीं सकता, वो आंसर होगा नहीं। अब दूसरा पढ़ो आप, ए क्या है, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, ठीक है, बी है वायरल आरएनए, ये बी वायरल आरएनए आ गया, चलो ठीक है, डीएनए डीएनए हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बता दिया, वायरल आरएनए यहाँ है ए, उसके बाद यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके ये बी वायरल डीएनए बन गया, क्लियर, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए बन जाएगा, बी वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है, न्यू वायरल डीएनए प्रोड्यूस्ड, ये डी पे, हाँ डी डी है, लेकिन यहाँ पे बी जो है वो इसका गलत दे रखा है,
सेकंड ऑप्शन में बी गलत हो गया, थर्ड बढ़िया। हां वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, ठीक बात है, सही है। यहां पे वायरल डीएनए, अब ये वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, ये हो गया, ठीक बात है। डी न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस, वायरल आरएनए बन जाता है, ये नया वायरस पार्टिकल बन के तैयार हो जाएगा, है ना। फिर है वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, फिर है वायरल आरएनए, ठीक है, हाँ, फिर ये गलत हो गया। तो ये इस तरह से अपने को ये स्टेप पता होना चाहिए, तो अपन सही से क्वेश्चन में आप सब में गलत देख लें कहाँ गलत है इनमें से, उसके अकॉर्डिंग आपको सर ने अभी जैसे एक्सप्लेन किया ही है कि ये सबसे पहले आया तो फर्स्ट इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सॉरी इंट्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंड में क्या कर रहा है ये बी में इसने अपने आप का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते ही वायरल डीएनए बन गया, तो वायरल आरएनए वाला भी गलत हो गया। अब कौन सा वायरल डीएनए आ रहा है एड में, फिर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है और उसके बाद ये इसकी कॉपी तैयार कर रहा है, आगे ये आ जाएगा न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस्ड। आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज इन सोसाइटी। अब एक समाज में अपन रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में अपन रह रहे हैं उसमें जो वेक्टर बॉर्न, अब वेक्टर दो ही है मेनली, मच्छर या मक्खी, या तो इधर मॉस्किटो और हाउस फ्लाई, ये इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, बिल्कुल सही है। अवॉइडिंग द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी भी ठहरेगा जो पानी में मच्छर मक्खी मल्टीप्लाई करते हैं, उनके लार्वा ग्रो करते हैं। से पाइप प्रोड्यूसिंग गैम्बूसिया लाइक फिशेस, हालांकि आजकल इसका यूज कम हो गया, मानता हूं फ्रेंकली, कारण क्या है, गैम्बूसिया जो है ना वो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना सर, उनके भी लार्वा खा जाते हैं, तो इस चक्कर में इसका यूज है, हालांकि ये एनसीईआरटी में गलत है इसलिए सही है, बाकी प्रैक्टिकली आजकल यूज इसका नहीं होता, है ना। दोनों बातें आपको जाननी जरूरी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये बात ठीक है, है ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट ऑफ वेक्टर, ठीक है, मच्छरदानी यूज करते हैं अपन, ट्यूब लगाते हैं ओडोमॉस और ये मच्छर को भगाने के लिए, ये प्रोटेक्शन होता है, ये भी सही है, है ना। तो ढूंढो सर इसके हिसाब से पूछा क्या है, मेजर्स टू कंट्रोल द वेक्टर बोर्न डिजीज, ये सही है, कंट्रोल करने के लिए ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, करेक्ट, यही है, सेकंड हो जाएगा इसका, क्लियर। वैसे देखिए क्वेश्चन जितने भी है इसमें हेल्थ एंड डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रखी है तो शायद इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन कई बार क्या है थ्योरेटिकल चैप्टर जो होते हैं उनमें बच्चे इसमें थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो मेरा अनुभव है सर वो ये है कि हर साल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से एक क्वेश्चन नॉर्मली, पिछले 4-5 साल का पेपर उठा के एक क्वेश्चन नॉर्मली आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है और उसमें ऐसी डिजीज होती है जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। अब ये क्या कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें जरूर पेपर अगर इजी आया तो उसमें नहीं फंसेगा क्वेश्चन, अदरवाइज नॉर्मल केसेस के अंदर एक क्वेश्चन इसमें ऐसा फंसता है एनसीईआरटी से बाहर का होता है, इसलिए अपना माइंडसेट बिल्कुल ऐसा रखें कि अगर आपको एनसीईआरटी से बाहर का कोई चीज सीखने को मिलती है, मान लो कोविड में क्वेश्चन आ गया तो वो अब आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, तो इसमें ये भी है। और दूसरा क्या है, एक चीज इसमें ध्यान रखने की है कि जैसे आप ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जितनी डिजीज है वो तो अपने को पढ़नी पड़नी है, लेकिन इसके साथ साथ में पैथोजन आपके जितना पॉसिबल हो सके पैथोजन के नाम आप ध्यान रखें कि बैक्टीरियल डिजीज में ये बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा पैथोजन है ये, वायरल डिजीज में ये कौन सा पैथोजन है, इसके लिए वो जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर सर ने बताई दिया आपको, सेकेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में दे रखे ऑप्शन है फीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक, मायस्थेनिया ग्रेविस, अस्थमा। तो ये आप देख रहे हो है फीवर एलर्जी के, एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जी के, अस्थमा एलर्जी के, मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो इसके लिए कैसा हो गया, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो आपने खूब इसके बारे में पढ़ भी रखा है सर, और ये आ गए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है। अब जो बॉडी है उसके अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर आगे जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, वो बी लिम्फोसाइट का जो डीएनए होता है ना उसमें गड़बड़ी होती है। अब क्या होता है,
जो नहीं होना चाहिए ना वो हो जाता है। वो सेल जो कि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती नॉर्मल केस में, वो बॉडी के खुद के ऑर्गन्स, खुद के टिश्यूज और खुद ही की सेल्स किसी के भी अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बना सकती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल की, सार्कोलेमा जिसको अपन कहते हैं, वहां पे जहाँ पे एसिटाइल कोलीन आके बाइंड करता था, उस जगह पर वो एंटीबॉडी आके उसको ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर को। एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर जैसे ही ब्लॉक हुआ, वैसे ही वो एसिटाइल कोलीन काम नहीं करेगा। एसिटाइल कोलीन काम नहीं करेगा तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मसल विल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू द न्यूरल स्टिमुलस। किसी भी न्यूरल स्टिमुलस को अगर काम करना है तो न्यूरोट्रांसमीटर को काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, धीरे 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 मसल जो है वो खत्म होते जाएंगे। तो ये मायस्थेनिया ग्रेविस है, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें खुद की इम्यूनिटी जो है वो सेल्फ नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती। क्लियर? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Some patients are suspected to be suffering from AIDS and their ELISA test is found to be positive. Which of the following should be employed as a confirmatory test? AIDS का patient है, उसमें first ELISA test जो है वो उसका कर लिया। ELISA test करने के बाद वो positive आ रहा है। तो ELISA test के बाद positive आ रहा है, उसको confirm करने के लिए एक और confirmatory test होता है। कौन सा होगा? इसमें वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, वो इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसके थ्रू इसको कंफर्म किया जा सकता है कि एचआईवी पॉजिटिव है। तो सर, तो ये ELISA टेस्ट एक जो है वो फर्स्ट प्राइमरी डायग्नोसिस टेक्निक है, उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा MRI विडाल टेस्ट। ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए। और विडाल आपने पहले पढ़ाई है। विडाल किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ये टाइफाइड के लिए होता है, एक बैक्टीरिया होता है रिकेट्सिया, उससे होता है सर, है ना? तो इसको रोकने के लिए जो टेस्ट है वो कहलाता है डिक टेस्ट। ये अपने को तो सीधा-सीधा यहां पे आंसर दिख ही रहा है, तो ज्यादा कुछ करने का है नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा इसका। क्लियर? तो नेक्स्ट पे आते हैं। Where will you look for the sporozoite of the malarial parasite? तो अभी sporozoite है, ये एक female anopheles जब एक healthy person को bite करेगा तो उसमें transfer होंगे। तो natural है, salivary gland तो freshly molted, अब वो larva से पहली बार अगर मच्छर बना है उसमें तो आने से ना, नहीं है ना सर? Saliva of female anopheles infected with malarial parasite, अब ये काफी कुछ ठीक लग रहा है। Saliva of female anopheles infected with malarial parasite, जो पहले से मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्ट है, हाँ, तो उसमें प्रेजेंट होंगे। रेड ब्लड कॉर्पसल ऑफ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वहां तो स्पोरोजोइट मिलने से रहा, आरबीसी में तो होता नहीं, आरबीसी में तो ट्रोमोजोइट स्टेज सिग्नेटिंग स्टेज वो आ जाती है। क्यों सर? ना, स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड, स्प्लीन में स्पोरोजोइट होता नहीं है, है ना? तो यहां पर सीधा आंसर है, आंसर इसका सेकंड आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। Choose incorrect about pneumonia disease. Pneumonia के बारे में incorrect पूछा है इसमें, गलत बताना है, गलत statement कौन सा है? In pneumonia, air-filled sacs are infected. Air-filled sacs कौन से? Alveoli. Alveoli. Lungs की alveoli, उसमें fluid filled हो जाता है, तो वो इनमें क्या होगा? इसके लिए correct है? तो ये इसका correct statement है। In severe condition of pneumonia, साइनोसिस अकर्स इन द लिप्स, फिंगरनेल्स, ईयर लोब्स एक्सेट्रा। इनमें क्या हो जाती है? साइनोसिस हो जाती है, नीले पड़ने लग जाते हैं। तो सीवियर कैसे नीले है? क्यों पड़ते हैं? वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वहां पे जो होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। हाँ। भाई एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। हाँ। एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज अगर प्रॉपरली होगा तो अपनी स्किन जो है ना पिंक होगी, है ना? और अगर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होगा तो ये होंठ और नाखून और ये सब चीजें धीरे धीरे नीले पड़ने लग जाएंगे, है ना? कंसंट्रेशन धीरे धीरे ब्लड में क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, तो नीला पड़ जाएगा बॉडी, है ना? ये प्रॉब्लम कहलाती है। सही है ये भी स्टेटमेंट इसके लिए। थर्ड स्टेटमेंट, हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड दिस डिजीज बाय एरोसोल शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यूटेंसिल्स
एंड इन्फेक्टेड पर्सन, सही है? ये इसके इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लासेस एरोसोल के कारण इनसे हो सकता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद गलत हो गया, ये भी करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ देखिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आल्सो डैमेज और इन्फेक्ट नेजल एंड फेरिंजियल म्यूकोसा, इनको डैमेज नहीं करता है, क्लियर? ये लंग्स निमोनिया में लंग्स तक जाता है, तो लंग्स तक जाएगा तो ये इनमें नेजल चेंबर को और उसकी म्यूकोसा को कहीं भी इफेक्ट नहीं करता, क्लियर? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हिच स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? अब ये कह रहा है कि मान लीजिए आज अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर कर गया, अब उसके सिम्टम कब आएंगे, वो चीज पूछी जा रही है। पहला है विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, 15 दिन के अंदर कुछ नहीं होता, इंक्यूबेशन पीरियड इसका सालों के अंदर है, इयर्स के अंदर है, तो 15 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। दूसरा है व्हेन द इंफेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर इन द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के बाद भी कोई लक्षण नहीं आता इस बीमारी में, जाके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी कम होने लग जाएगी उसकी वजह रहेगी अल्फा इनका डैमेज होना, तो नेचुरल है जल्दी जल्दी आदमी बीमार होने लग जाएगा, कभी क्या बीमारी आ जाएगी, कभी क्या बीमारी आ जाएगी, तो ये सिम्टम है एचआईवी का। मैक्रोफेज में जैसे ही वो अपनी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके निकलता रहेगा, वैसे वैसे एचआईवी पे अटैक करेगा, ये सॉरी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करते करते धीरे धीरे उसके नंबर्स को कम करता जाएगा, और अपने में मेन इम्यूनिटी पावर किसके कारण है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के कारण ही, क्लियर? इसलिए लगातार इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते जाएंगे डिजीज के, क्लियर? उस कंडीशन में ये इसके सिम्टम्स होंगे। फोर्थ हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इज फोर। ए पर्सन हैविंग ड्राई स्किन, सूखी स्किन है, स्केली लेजन, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, इंटेंस इचिंग, इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा खुजली, मतलब जलन के साथ खुजली इज प्रेजेंट, दिस डिजीज मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। अब ये जो बीमारी है इसके अंदर फंगस, ये तो सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसमें तो प्रोटोजोआ से होगा नहीं वायरस ही, तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, और वो ये फंजाई के तीन जीनस जो है वो आपने पढ़े हैं, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम है, ये तीनों जो फंजाई के जीनस है इनके थ्रू फंगल डिजीज है, समझे, जिसको टीनिया भी कहते हैं, टीनियस, इसी को जो है वो रिंगवर्म कहेंगे, ठीक है? तो ये रिंगवर्म डिजीज के लिए होता है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पस कंसिस्ट ऑफ, पस सारे जानते होंगे, सारे समझ रखा है, पस मवाद होती है, तो पस या मवाद जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डेड आरबीसी, टिश्यू फ्लूइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल एंटीबॉडीज, गलत है ये, आरबीसी नहीं होगी इसमें। सेकंड एंटीबॉडीज, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ये भी नहीं होंगे। थर्ड टिश्यू फ्लूड होगा, डैमेज्ड बॉडी सेल्स होती है, डेड फैगोसाइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट है, डेड फैगोसाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, टिश्यू फ्लूड होगा और डैमेज्ड बॉडी सेल्स होती हैं, जो सेल डेड हो जाती हैं वो डेड सेल्स भी पस या मवाद बनाती हैं, ल्यूकोसाइट्स एंटीबॉडीज, टिश्यू फ्लूड बट नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखा है जबकि डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लियर? करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, विडाल टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक, बहुत आसान सवाल है, तो टाइफाइड का टेस्ट है, टेस्ट का नाम याद रखना आपको, विडाल टेस्ट, टाइफाइड का डायग्नोस्टिक। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज यही है कि आप इनको थोड़ा सा हर पॉइंट को, हर लाइन को जो है वो गौर से पढ़ें, इनको इग्नोर नहीं करें, थ्योरेटिकल देख के, तो सर बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है थ्योरेटिकल चैप्टर देख के बच्चे इसको अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें दोनों ही चैप्टर इवोल्यूशन और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टाइफाइड, टाइफाइड के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है, सिम्टम आप टाइफाइड के दे रखें, इसमें सिम्टम्स देखें, फर्स्ट सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री फारेनहाइट, ये फारेनहाइट के कारण ये रॉन्ग स्टेटमेंट,
ये सेंटीग्रेड हो ना तो ठीक सेंटीग्रेड होता तो करेक्ट हो जाता है, तो कई बार इसमें भी गलतियां हो जाती है। सस्टेंड हाई फीवर तो यहां तक सही है, लेकिन टेम्परेचर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। वीकनेस इसका सही है, वीकनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना। देखो ये तो किसी भी बीमारी में होता है, भूख लगना सबसे पहले बंद होती है, कॉमन सिम्टम है। तो आपके चाहे कोरोना हो जाए या और कुछ हो जाए, सबसे पहले भूख बंद हो जाती है, ठीक है। तो हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्रीक्वेंट कफिंग ये नहीं होता इसमें, क्लियर। तो फ्रीक्वेंट कफिंग जो है वो टाइफाइड का सिम्टम नहीं है, उसके हिसाब से क्या है टाइफाइड के सिम्टम जो सही नहीं है वो बताना है आपको। तो सही नहीं है तो फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अलग दे रखा है इसको, फारेनहाइट में दे रखा है। और फिफ्थ, फ्रीक्वेंट कफिंग नहीं होती, तो ये इसमें सर ने लगा दिया। इसके कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ। रिंगवर्म इन्फेक्शन, अब रिंगवर्म जिसके लिए अपन ने अभी डिस्कस किया है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ये तीनों जो मेजर जीनस हैं फंगस के, ये ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्कैल्प, जो सर की जो स्किन होती है उसको अफेक्ट करता है। तो ये स्कैल्प को अफेक्ट करेगा, नाखूनों के अंदर चले जाता है ये, बिल्कुल पैर, खास तौर से पैर के नाखूनों में जाता है ना, उसको ब्राउनिश कर देता है, बिल्कुल गंदा सा भद्दा सा नाखून निकलने लग जाता है, और 8-10 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, ठीक है ना। स्किन फोल्ड्स इन द बॉडी, स्किन फोल्ड ये होते हैं उंगलियों के बीच की जगह, हाथ की या पैर की उंगलियां, जहाँ पे अपन क्या करते हैं नहाने के बाद ढंग से वाइप नहीं करते, पोंछते नहीं है, तो नमी रह जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, साथ में टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है। लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में नहाए और जूते पहन लिए, अब वो मॉइस्चर तो वहीं रह गया, पोंछा ही नहीं पैरों की उंगलियों के बीच में, तो वो फंगस ग्रो कर सकती है वहाँ पे। ऐसी कंडीशन में ये जो है वो ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये आप देखें रिंगवर्म इनफेक्ट स्कैल्प भी करता है, नाइल्स, स्किन फोल्ड इन बॉडी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। आपने पढ़ा है टीनिया कैपिटिस, स्कैल्प में हो तो टीनिया कैपिटिस, क्रूरिस जो ग्रोइन पार्ट में हो तो टीनिया क्रूरिस हो जाता है, क्रूरिस हो जाता है। तो ये सारे जो है वो रिंगवर्म के टाइप है, तो ये स्कैल्प में भी होते हैं, नाइल्स में, स्किन फोल्ड इन बॉडी, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मैच द डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ पैथोजन। डिजीज के इसके पैथोजन के करेक्ट टाइप जो है उसके साथ इसकी मैच करना है इसको। ट्यूबरकुलोसिस, ए ह्यूमन एंटेरोवायरस। अब इसमें आप देखिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये डिजीज सारी डिजीज अपने उसमें नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पैथोजन आपको करीब करीब जो है वो ऐसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है उनके याद रखें, क्यों सर माइकोबैक्टीरियम। हूपिंग कफ, हूपिंग कफ का दूसरा नाम पर्टुसिस भी कहते हैं, तो सर इसके लिए करेक्ट क्या होगा, बॉर्डेटेला, पर्टुसिस, क्लियर। एक डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया का कोराइनी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, तो ये इसका कोराइनी बैक्टीरियम होता है। पोलियो वायरस, पोलियो के लिए ए ह्यूमन एंटेरोवायरस, तो पोलियो के लिए कोजिंग एजेंट या पैथोजन ह्यूमन एंटेरोवायरस हो गया। देखा, पोलियो जो है, पोलियो वायरस जो है वो जो है वाटर बॉर्न है, अब तो खैर पल्स पोलियो के थ्रू गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किए, खत्म हो गया, लेकिन ये पानी के थ्रू जाता था, इंटेस्टाइन में जाता था। एंटीरो वायरस नाम से पढ़ो, देखो एंटीरो, एंटीरो मींस एलिमेंट्री कैनाल में जाता था, वहां से जाकर और फिर ये ब्लड में एंटर करता था और ये मस्कुलर डिजनरेशन कर देता था, न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन, स्केलेटल, खास तौर से पैरों की जो मसल्स होती हैं उनको बिल्कुल एकदम एट्रोफी हो जाती, सिकुड़ जाती हैं, तो उसके बाद वो आदमी बिल्कुल अपाहिज हो जाता है, अपाहिज। तो वो इस तरह की अब करीब-करीब आजकल डेडिकेट हो गई है। तो इसमें आप देखिए मैचिंग करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस के साथ माइकोबैक्टीरियम फोर्थ, उसके बाद ओपन कफ थर्ड, बॉर्डेटेला फोर्थ थर्ड, उसके बाद सेकंड कोरोनरी बैक्टीरियम फर्स्ट, कौन सा जाएगा सेकंड ऑप्शन में इसके करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ प्रोबेबल पैथोजन इन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, होर्सनेस, होर्सनेस का मतलब है गले में खराश, टायर्डनेस, थकान, ये तो जुकाम के सिम्टम्स हैं।
है ना, राइनो वायरस हो जाएगा इसमें। विब्रियो कॉलरी से तो कॉलरा होता है, हैजा होता है, हैजे में तो लूज मोशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो तो लिख नहीं रखा। शिगेला इसमें भी दस लग जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर तो नेजल कंजेशन लिख रखा है, तो वो इसमें भी नहीं होता है ना। प्लाज्मोडियम से आप जानते हो मलेरिया होता है, तो वो सीधा आंसर है राइनो वायरस। सीधे सिम्टम दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में सारे सिम्टम दे रखे हैं, तो किसके सिम्टम है ये? कॉमन कोल्ड क्या है? कॉमन कोल्ड का कॉजिंग एजेंट पैथोजन राइनो वायरस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच इज मेनली रिलेटेड विद एग्स, एग्स से रिलेटेड इंडिया में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, इससे केवल एग्स के लिए नहीं है, ये पूरी हेल्थ के लिए। CDRI ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी एग्स से रिलेटेड नहीं है। NACO नेशनल एग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो सर ये NACO स्पेसिफिक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, वो केवल एग्स को कंट्रोल करने के पर्पज से ही बनाया गया है, जो इसके लिए कई तरह के लोगों को अवेयरनेस करना है, कई तरह के जो प्लानिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ये सारे NACO के काम होते हैं। तो ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर डोट्स किसके लिए है? डोट्स आपको ध्यान है, टीबी का पेशेंट जो डायरेक्ट उसके लिए डोट्स लिए जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स मींस घर में मरीज को पहचान के और उसको घर में जाके दवा देके आ जाती है, और वो इंश्योर करता है कि मरीज दवा खाए ताकि दूसरों को नहीं फैले टीबी। टीबी का ये डॉट्स डॉट्स स्टार्ट किया था, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हो गया, वो टीबी का है, ये एड्स का हो गया, ये ड्रग रिसर्च का है, और ये आप जानते हैं कंप्लीट हेल्थ के लिए। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड ड्यू टू, अब ये तो वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई बैक्टीरिया मलाई फाइलेरियोलम, ये तो तीनों ही हो गए साहब, ये यहां तो एक ही चीज है ध्यान होगा आपको, एलिफेंटियासिस फाइलेरियल वर्म भी कहेंगे इसको, वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाई के कारण भी होता है, वुकेरेरिया मलाई, ये वुकेरेरिया के दोनों स्पीशीज ये फैला सकती है, और इनको कॉमनली क्या कहेंगे? फाइलेरियल वर्म्स कहेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैनी डिजीज are spread by insect vectors. One such major vector is mosquito, which spreads all of the following disease except. तो mosquito से फैलने वाली disease में इनमें से कौन सी नहीं है? Escherichia, ध्यानों का transmission, contaminated food and water, contaminated food से होगी। Malaria ये female anopheles के कारण। Chikungunya और dengue ये भी किसके कारण होता है? फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स हैं, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स हैं, एडिस वगैरह उनसे होता है, है ना? तो यहाँ पर बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि ये स्प्रेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स, तो एस्केरियासिस तो इंसेक्ट वेक्टर से नहीं होता, कंटामिनेटेड एग पानी या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू अंडे जाते हैं तो एस्केरियासिस हो सकता है, मच्छर मक्खी एस्केरियासिस में आ गए, फर्टिलाइज्ड एग मिट्टी में आ गए, वही जो है वो सब्जियों में फ्रूट्स में लग गए बिना धोए खा लिए, उसके कारण एस्केरियासिस हो जाता है। लेकिन मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू जो है इनमें तीनों में ही ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्या है? वेक्टर है जो फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल लेडीज है, उनके कारण हो रहा है। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, सही है, तो इसमें करेक्ट आंसर पॉजिटिव रहेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल बट नॉट थ्रू फीको ओलर रूट, है ना? फीकोरल रूट का मतलब ये है कि एक्सक्रीटा के साथ, स्टूल के साथ वो बॉडी से बाहर आया, पानी में गया, मिट्टी में गया, पानी को कंटेमिनेट किया, मिट्टी को कंटेमिनेट किया, और वो कंटेमिनेटेड पानी और मिट्टी वापस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बॉडी में चला गया, ये रूट कहलाएगा फीकोरल रूट, है ना? अब फीकोरल रूट से नहीं होता, ये पूछ रहा है डिजीज एक्वायर्ड फ्रॉम बट नॉट, है ना, सॉइल से होती है, एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल मिट्टी से ही होगी लेकिन फीकोरल रूट से नहीं होगी। तो टाइफाइड मक्खियां फैलाती है, खाने पीने से होता है, एस्केरियासिस जो होता है ये मिट्टी से होता है, पानी से होता है, रिंग वर्म जो होता है ये मॉइस्चर और उससे होता है, है ना? अमीबियासिस भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, यहाँ पर यही बचता है। आप देखिए जो भी कंटेमिनेटेड फूड से वाटर से हो रही है, इट मींस वो फीकोरल रूट के थ्रू जो उनका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कौन सी रेडी इसमें कौन सी नहीं? रिंगवर्म, रिंगवर्म नहीं होगी।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज. वायरल डिजीज का पेयर बताना है इसमें आपको. टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस दोनों बैक्टीरियल डिजीज है. इसमें टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम से. अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी आए रिंगवर्म एड्स. रिंगवर्म किसके कारण होगी? फंगस. सर ने बताया था फंगस के कारण होती है. माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोम एड्स वायरस हो गया. एड्स वायरल डिजीज है. ये भी वायरस. तो एक वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है. थर्ड में कॉमन कोल्ड एंड एड्स दोनों ही वायरल डिजीज है. कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से, एड्स एचआईवी वायरस से. तो ये दोनों ही डिजीज वायरल डिजीज होगी. करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. फोर्थ डिसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड. इसमें डिसेंट्री बैक्टीरियल है, कॉमन कोल्ड वायरल है. तो दोनों वायरल डिजीज हो वो आपको सेलेक्ट करना है. कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसमें. तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Most diseases can be diagnosed by observing the symptoms in patient. ज्यादातर बीमारियों को अपन patient के अंदर symptom देख के पहचान सकते हैं कौन सी बीमारी है. Which group of symptoms are indicative of amoebiasis? Amoebiasis में क्या होता है? तो देखिए amoebiasis का causative pathogen है Entamoeba histolytica जो कि protozoan होता है, sarcodean protozoan है. इसमें nasal congestion नहीं होगा. पहला तो वैसे ही बाहर हो गया amoebiasis से तो intestine जो होती है nasal congestion, discharge, cough, sore throat and hence headache. ये तो generally common cold है. cold का है. common cold का. high fever, malaise. malaise का मतलब होता है हाथ पैरों में कमजोरी, दर्द होना. malaise कहलाता है. stomach ache, पेट में दर्द, loss of appetite and constipation. है ना, इसे बुखार नहीं आता. high fever वाला नहीं होगा. ये नहीं होता. ठीक है. difficulty in respiration. respiration में ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है. है ना. कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट दर्द होता है, पेट में मरोड़ चलती है, क्रैम्प्स होते हैं. मरोड़ मतलब ऐसे ऐठन होती है पेट में, है ना. और स्टूल के साथ में क्या आता है? ब्लड के क्लॉट्स आ जाते हैं और म्यूकस आ जाते हैं. ये टिपिकल सिम्टम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से हुई हुई अमीबियासिस का. आंसर इज फोर. फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका. तो इसके हिसाब से आप देखिए इसमें ये किसके होंगे डायरेक्ट. कौन से पेशेंट के? अमीबियासिस का जो पेशेंट है उसके सिम्टम बताने आपको. फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो गया. क्लियर. तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए. आपके एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है. उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा. थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते रहें इनमें. थ्योरिटिकल चीज़ें हैं, आप जितना इंटरेस्ट खुद ले पाओगे इसमें उतनी ही कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे. और बाकी जनरली आपको ये ध्यान है कि ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. एनसीईआरटी बेस्ड चीज आ रही है. जितना हो सके उतना आप इसका बेनिफिट लें. क्लियर. ठीक है सर. ओके. थैंक यू. बाय. थैंक यू.